और इधर फर्राटा रेस का एक जादूगर था, जब वो रेसिंग ट्रैक पर आता था तो फ्लाइंग सिख भी घबराता था। जी हाँ, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को भी उसने मात देकर गोल्ड पर कब्जा किया था। वो कोई और नहीं, वो भी एक सिख ही था और नाम था सरदार मक्खन सिंह, जिनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं फर्राटा के सरदार कहे जाने वाले फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को मात देने वाले एक और फ्लाइंग सिख सरदार मक्खन सिंह की पूरी कहानी इस रिपोर्ट में। फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया मिल्खा सिंह, एक ऐसा नाम जिसके चर्चे हिंदुस्तान से लेकर सात समंदर पार तक खासे मशहूर हैं। खुद मिल्खा सिंह ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान ये मानता है कि मिल्खा सिंह को कम से कम हिंदुस्तान में कोई मात नहीं दे सका। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1964 में कोलकाता में राष्ट्रीय खेल के 400 मीटर की स्पर्धा में उन्हें मुंह की खानी पड़ी और उनको पछाड़ने वाला कोई और नहीं एक सिख था। मक्खन सिंह एक ऐसा करिश्माई धावक जिसने फ्लाइंग सिख को भी दी मात। मक्खन सिंह एक ऐसा गुमनाम फ्लाइंग सिख जिसने न सिर्फ देश बल्कि दुनिया में हिंदुस्तान का नाम कामयाबी के कैनवास पर रोशन किया। मक्खन सिंह एक ऐसा नाम जिससे खौफ खाते थे फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया मिल्खा सिंह भी। मक्खन सिंह एक ऐसे धावक जिन्हें उनकी अभूतपूर्व उपलब्धियों के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। साल 1964, जगह कलकत्ता, आयोजन राष्ट्रीय खेल और स्पर्धा 400 मीटर दौड़। इस दौड़ के विजेता रहे सरदार मक्खन सिंह, जिसकी गवाही दे रही है ये तस्वीर, जिसमें सबसे आगे नजर आ रहे हैं मक्खन सिंह। मक्खन सिंह ने फर्राटा दौड़ की इस चुनौती भरी प्रतियोगिता में किसी ऐरे गैरे एथलीट को नहीं पछाड़ा, बल्कि इस महान धावक ने कलकत्ता में आयोजित नेशनल खेलों में फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को मात देकर सोने पर कब्जा किया। लेकिन अफसोस, मिल्खा सिंह को शिकस्त देने वाले मरहूम मक्खन सिंह का परिवार आज मुफलिसी और लाचारी की जिंदगी जीने को मजबूर है। सरदार मक्खन सिंह ने सेना में भर्ती होने के बाद जकार्ता एशियन गेम्स, इंडो पाक टूर्नामेंट लाहौर, रोम ओलंपिक और टोक्यो ओलंपिक में अपने शानदार प्रदर्शन से दुनिया भर में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। पंजाब के होशियारपुर में मक्खन सिंह के घर में आज भी पदकों का अंबार लगा हुआ है, जो उन्होंने बतौर धावक देश और दुनिया की तमाम प्रतियोगिताओं में जीते। मक्खन सिंह को भारत सरकार ने अर्जुन अवार्ड से नवाज कर उनकी शानदार कामयाबियों को सलाम किया। 1964 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के हाथों मक्खन सिंह को सम्मानित करने की ये तस्वीर इस महान धावक की शानदार उपलब्धियों को आज भी बयां कर रही है। मक्खन सिंह जब तक सेना में रहे देश की सेवा की, एथलीट होने के नाते दुनिया भर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और रिटायरमेंट के बाद ही शादी की। शादी के बाद हालात इतने बदतर हो गए कि नागपुर जाकर ट्रक चलाकर गुजारा करना पड़ा। इसी बीच 1990 में शुगर की बीमारी के चलते उनका एक पैर काटना पड़ा। फिर तो जैसे मक्खन सिंह के परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा। शुगर बदलने तो बाद इनके ए पाँव में दर्द होने चालू हो गए। अच्छा। पहले एक महीने दो महीने पहले पाँव में कांच लगा, डॉक्टर के पास लगे गए तो जानते समय डॉक्टर ने ये किया, पैर पूरा नीला हो गया। अच्छा। अंगूठा हाँ। नीला हो गया, उनके लात कटनी पड़ेगी। सरकार की अनदेखी के चलते मक्खन सिंह की घर की माली हालत बेहद ही खराब हो चुकी थी, लिहाजा मक्खन सिंह ने होशियारपुर में अपने गांव के नजदीक एक छोटी सी स्टेशनरी की दुकान भी खोली और गरीबी में गुजर बसर के साथ मक्खन सिंह ने अपने छोटे बेटे इंद्रपाल को एथलीट बनाने की कवायद भी शुरू कर दी। लेकिन 1994 में इंद्रपाल की मौत हो गई। बेटे की मौत से गमजदा मक्खन सिंह खुद भी 2002 में चल बसे। नहीं कोई सरकार वालों, सरकार ने मैं जितना भी पहुंच सकती है, सरकार ने कोई हाँ नहीं, कोई मदद नहीं किया। नहीं। मक्खन सिंह की मौत से परिवार टूट सा गया। इस दौरान 2009 में तत्कालीन खेल मंत्री एमएस गिल ने इस महान धावक के परिवार की मजबूरी
और मुफलिसी की कहानी सुनी तो मरहूम मक्खन सिंह की पत्नी सुरेंद्र कौर को 3 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी, तब जाकर इस परिवार के सिर पर छत भी नसीब हो पाई। लेकिन 2009 में ही मझले बेटे की मौत हो गई और एक बार फिर से मक्खन सिंह के परिवार में मातम पसर गया। आज बेरुखी का आलम यह है कि आज ना तो पंजाब सरकार और ना ही केंद्र सरकार मिल्खा सिंह को मात देने वाले मक्खन सिंह के परिवार की सुध लेने को तैयार है। जिस एथलीट ने फ्लाइंग सिख को भी मात दी, देश का नाम दुनिया में रोशन किया, उसका परिवार आज भी रोजी रोटी के लिए तरस रहा है। सतपाल सिंह, होशियारपुर, न्यूज 24।